हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल सपोर्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सेफ्टी टैंक में आप पैसे कैसे बचा सकते हो और आप मतलब सेफ्टी टैंक बनाते समय कौन कौन सी सावधानी इसमें बरतना है। दोस्तों सेफ्टी टैंक वैसे तो बहुत काफी प्रकार के होते हैं और सेफ्टी टैंक बनाने में आपको कितना खर्च आता है, उससे आधे खर्च में आप सेफ्टी टैंक कैसे बना सकते हो। दोस्तों बेसिकली सेफ्टी टैंक दोस्तों क्या होता है कि 9 इंच में ही बनता है, इसको 4 इंच में बनाया नहीं जा सकता क्योंकि यह जमीन के अंदर रहता है, तो इसलिए इसको 9 इंच में ही बनाते हैं। दोस्तों अगर मान लो इसके अंदर हम पैसे बचाने की बात करें तो आपको सेफ्टी टैंक मतलब कि जो गोल आकार का ही बनाना होगा। आपका जो सेफ्टी टैंक गोल आकार का रहेगा ये काफी मजबूती में रहेगा और इसमें आपको बीम कॉलम की जरूरत नहीं लगेगी। इसमें आपको प्लास्टर कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, बट इसमें प्लास्टर हम यहां पे नहीं कर रहे हैं। तो आपको इसमें सिर्फ एक रिंग वाला जो गोल बीम है वही लगेगा इसके अंदर जमीन पे और उसके बाद में इसकी जो जुड़ाई है दोस्तों वो कंप्लीट कर दी जाएगी। अब इसमें अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो आपका जो कॉस्ट है दोस्तों काफी बच जाएगा, क्योंकि अगर मान लो आप चौरस सेफ्टी टैंक बनाते हो तो उसके अंदर आपको 4 कॉलम देना होता है और चारों तरफ बीम भी देना होता है और उसके बाद में जब जाके वो ऊपर आता है, तो इसलिए आपको और वो सेफ्टी टैंक की इतनी मजबूती भी नहीं रही इतना आप करने के बाद में भी। इसलिए आपको अगर इस तरह से जो गोल सेफ्टी टैंक बनाओगे तो उसकी काफी मजबूती रहेगी। और वैसे अब मार्केट में बने बनाए भी सेफ्टी टैंक अवेलेबल है, चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो। तो आपको ये वाला जो सेफ्टी टैंक है वो जो चौरस वाले सेफ्टी टैंक से जो पैसे में काफी आपको कॉस्टली रहेगा। तो आप अगर मान लो सेफ्टी टैंक बनाने की सोच रहे हो या फिर आपके घर में बना रहे हो तो आपको इस तरह से सेफ्टी टैंक बनाना है कि जिससे आपका पैसा भी बचे और आपको काफी इसमें मतलब मदद भी मिल जाए। और मजबूती की हम बात करते हैं तो मजबूती इसकी उस वाले सेफ्टी टैंक से काफी ज्यादा है। अगर आप चौरस वाला सेफ्टी टैंक बनाओगे तो उसमें आपकी इतनी मजबूती नहीं मिलेगी जितनी मजबूती इसके अंदर है। आप इसको हैंड टू हैंड जुड़ाई करके ना इसमें आप भराव कर सकते हो जिससे आपकी जो दीवारें नहीं खिसलेगी। और अगर आप चौरस वाला सेफ्टी टैंक बनाओगे उसमें आप अगर भराव करोगे उसको ऊपर लाके ना, तो ये जो सेफ्टी टैंक है वो जो चौरस वाला वो आपका नहीं झेल पाएगा। तो इसलिए अगर मजबूती में चल जाते हो तो ये सेफ्टी टैंक आपके लिए बेहतर रहेगा।